हेलो गाइस, अच्छा खाना नसीब होता है उनके हाथों में जो किचन में दिन रात जंग लड़ते हैं, बट अच्छा खाना बनते देखना हमारे हाथ में है जिन हाथों का इस्तेमाल करके आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो। तो क्यों ना कुछ मज़ेदार चीज़ पेश की जाए। गाइस, मेरा नाम है मृदंग और मैं एक नोवाइस कुक हूँ, थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू लॉकडाउन। आज मैं बना रहा हूँ गुजरात के सौराष्ट्र रीजियन की एक फेमस डिश, वरायू, बोले तो स्टीम वेजीज। थैंक्स टू विनोबाई पटेल, जिनकी ऑथेंटिक स्टाइल को मैंने यूट्यूब से सीखा और अपने रिसोर्सेज को यूज करके बनाया। सो लेट्स बिगिन। एंड यस, बिफोर वी बिगिन, डिस्क्लेमर, आई हैव फॉलोड द हाइजीन विच आई प्रैक्टिस एंड माई बॉडी इज इम्यून टू। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन फॉर कुकिंग, इट्स जस्ट लर्निंग एंड फ्लॉन्टिंग। बेसिकली इसमें हम डिफरेंट वेजिटेबल्स में स्टफिंग ऐड करके उसको स्टीम देंगे। जितनी भी वेराइटी घर में अवेलेबल थी मैंने वो सारी उठाई है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें गार्लिक को मैंने ऐसे ही पूरा लिया हुआ है विदाउट सेपरेटिंग द क्लॉज, एंड दैट्स द हार्ट ऑफ द डिश। आओ चलो अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने ये मेन इंग्रेडिएंट ऑल इन वन नमकीन लिया है, उसको थोड़ा कूट लेना है, बट वो एकदम बारीक पाउडर ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। अब उसको स्वीट एंड सॉर बनाने के लिए हम ऐड करेंगे शुगर, सॉल्ट, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ऑनियन एंड लेमन। लेमन डालने के बाद इसमें से मस्त स्मेल आने लगती है। सो ये स्वीट एंड सॉर स्टफिंग रेडी हो गया। नेक्स्ट, स्टफिंग को अब वेजिटेबल्स में फिल करना है। छिले हुए आलू को बीच में से हाफ कट किया एंड देयर वी गो। ऑनियन में हाफ क्रॉस कट करके उसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। कैप्सिकम एंड टमाटो में सीड्स निकाल के फुल स्टफिंग किया है। भिंडी के टिप को निकाले बिना लॉन्ग कट करके स्टफिंग करेंगे। बैंगन में अगेन टू कट्स एंड फिलिंग। गार्लिक एंड मटर को वैसे ही छोड़ दिया। एंड वेजीज आर रेडी टू बी स्टीम्ड। मैंने ये स्टीमिंग कुकर लिया है जिसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और अभी उसको ये बेस सपोर्ट देंगे। इसके ऊपर कॉटन के पतले कपड़े को गीला करके रख देना है। नाउ वील ऐड वेजीज वन बाय वन, प्लस स्टफिंग वाला मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। टोमेटोज को कुक होने में कम टाइम लगता है, सो उसको हम अभी से नहीं रखेंगे। लिड बंद, गैस ऑन, और उसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दे। मीनवाइल स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ खाने की ग्रेवी को तैयार करते हैं। एक तवे में तेल को गरम करके स्पाइसेस ऐड कर रहा हूँ। हींग, बे लीफ, रेड चिली एंड जीरा। उसे थोड़ा फ्राई करने के बाद अब उसमें मीडियम साइज के कटे हुए ऑनियन डाल रहा हूँ। ऑनियन जैसे ही थोड़े ब्राउन होते हैं उसमें हम सॉल्ट एंड टर्मरिक ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट उसको पकाने के बाद डालेंगे हाफ क्रस्ट पेस्ट जिसमें है टमाटो, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। नाउ अगेन वी विल लेट इट कुक फॉर 4 to 5 मिनट्स। टोमेटोज अच्छे से कुक हो जाने के बाद एक ग्लास पानी ऐड करना है एंड द स्पाइसेस अगेन, धनिया जीरा, रेड चिली, हल्दी एंड गरम मसाला। मसालों को भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब ये नॉर्मल से दिख रही इंडियन करी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए उसमें वो स्टफिंग वाला मसाला ऐड करेंगे। ओ बॉस, क्या खुशबू आने लगी है। दो से तीन मिनट तक और पकाने के बाद द ग्रेवी इज रेडी। मीनवाइल 15 मिनट्स हो चुका है, सो कुकर को खोल के स्टेटस चेक कर लेते हैं। रिमेंबर, हमें टोमेटोज ऐड करने हैं। अब हम फिर से 15 मिनट तक उसको स्टीम देंगे। इन टोटल 30 मिनट्स के बाद गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने दे, लेट्स से फॉर 5-10 मिनट्स। कुकर खोलने के बाद की जो खुशबू है ना, वर्थ अ ट्राई।
वेजिटेबल्स सारे अच्छे से पक चुके हैं, सो हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए वराड़ियू तैयार है, और अब हम देखते हैं उसे सर्व कैसे करना है। एक प्लेट में पहले ग्रेवी निकाल लेंगे एंड वन बाय वन सारी वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स। मैं इसको खाने वाला हूँ पराठे के साथ, वैसे ये कोई भी इंडियन ब्रेड के साथ अच्छा लगेगा। एंड सच डिश इज इनकम्प्लीट विदाउट बटर मिल्क। एंड यस, अगर आप अब तक ये सोच रहे हो कि ये गार्लिक को कैसे खाना है, तो ये गार्लिक इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये क्लॉव को आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो पूरा गार्लिक बाहर आ जाएगा। एंड यस, छिलके को नहीं खाना है। आई टेल यू, इफ यू आर फूडी एंड यू लाइक वेजिटेबल्स, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस। इट मे टेक योर 2 आवर्स, बट दे आर वर्थ स्पेंडिंग। सो जब भी आप ये बनाएं, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।